एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक अनूपशहर में स्थित एंचोरा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने अनीता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 5500 की आबादी एवं 2100 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 339 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 140 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पांच मरम्मत कराएंगे, छह सीसी कराएंगे, 3 नए खंडे कराएंगे और नाला निर्माण कराया है। आई पेंटिंग 45 शौचालय बनवाए और काम चल रहा है शौचालय में, और 50 आवासों की मांग करी है, पंचायत घर की मरम्मत की मांग करी है, और कोई अस्पताल नहीं है गांव में, पानी का निकास नहीं है। दो गांव में कम से कम 20 लाइट तो होनी चाहिए। पहले 2500 मानदेय था, फिर 3500 हो गया, 3500 में खर्चा नहीं चल रहा, कम से कम 10,000 तो हुई।